21वीं सदी में सुपर हीरो पॉपुलर कल्चर पर राज कर रहे हैं। हर साल एक नई फिल्म या टीवी शो या वेब सीरीज के रिलीज के साथ सुपर हीरो दुनिया भर के दर्शकों के बीच तेजी से मशहूर हो रहे हैं। ऐसा ही क्रेज आज से करीब 80 साल पहले कॉमिक्स के लिए तब हुआ था जब 1938 में सुपरमैन के लॉन्च के साथ अमेरिका में कॉमिक्स का एक नया गोल्डन एज शुरू हुआ। सस्ती होती छपाई, बेहतर होते हुए डिस्ट्रीब्यूशन और वर्ल्ड वॉर के बीच बढ़ते देशभक्ति के मूड के साथ कॉमिक्सों की बिक्री आसमान छू रही थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर के अंत तक अमेरिकी सुपर हीरो ट्रेंड से बाहर होने लगे और उनमें से कई वेस्टर्न और हॉरर जैसे ज़्यादा पॉपुलर कॉमिक्स स्टाइल्स के लिए जगह बना रहे थे। मैगजीन इंटरप्राइज का गोस्ट राइडर इन दोनों स्टाइल्स को मिलाने वाला पहला और सबसे कामयाब कोशिशों में से एक रहा। मैगजीन इंटरप्राइज 1943 से 1958 तक चली एक अमेरिकी कॉमिक बुक कंपनी थी, जिसमें ज़्यादातर ह्यूमर, क्राइम्स, बच्चों की कॉमिक्स, हिस्टोरिकल एडवेंचर जैसे कॉमिक्स प्रिंट किए। लेकिन उनके सबसे खास और मशहूर कॉमिक्स थे वेस्टर्न जॉनर के। इनमें से ही एक टाइटल टिम हॉल्ट के 6वें इशू में लॉन्च हुआ, क्राइम फाइटिंग गोलियां बरसाता नकाब पोस, पर शुरुआत में उसका नाम था कैलिको किड, जो दरअसल था फेडरल मार्शल रेक्स फरी। लेकिन सिर्फ 5 इश्यूज में टिम हॉल्ट 11 में कहानी ने लिया एक बड़ा ट्विस्ट। जब कैलिको किड शैतान के बॉन्डर के घूमते बढ़ते पानी में अपनी बर्बादी की ओर बह चला, तो बदमाश बार्ट लेसर बुरे तर ढंग से ठहाके मारा सा। लेकिन फिर मौत के आगोश से बाहर निकला द घोस्ट राइडर। पुरानी कहानी से सिर्फ एक चीज बनी रही, वह था उसका चीनी साइड के सिंग सॉन्ग। यहाँ तक कि उसके काले घोड़े एबोनी को भी मारकर स्पेक्टर नाम के एक नए सफ़ेद घोड़े से बदल दिया गया। दिन में एक कानून का रखवाला, वह उन सभी परेशानियों से परेशान था जिनसे उस जैसा कोई भी कानून को मानने वाला होता। लेकिन रात तक वह हर तरह के तरीके आजमा कर मुजरिमों को सजा दिला सकता था। उसकी पसंदीदा तरकीब थी मुजरिमों को डराकर उनसे सच उगलवा लेना। वह काले और सफ़ेद केप के साथ एक सफ़ेद पोशाक पहनता, जिससे वह खुद को ज़रूरत के हिसाब से गायब या प्रेत की तरह चमकता हुआ दिखा सकता था। एक काला चाबुक जिससे वह चीज़ों को हवा में तैरता दिखा सकता था। यहाँ तक कि उसकी बंदूक की जोड़ी और उसका घोड़ा स्पेक्टर भी अंधेरे में चमकते। उसके एक्शंस इतने सटीक होते थे कि कई मुजरिम पूरी तरह से मान लेते थे कि गोस्ट राइडर एक प्रेत आत्मा है, और बिना किसी लड़ाई के कबूल कर लेते और बिना लड़े सरेंडर कर देते। उसके ज़्यादातर विलेन उसकी तरह ही बहुरूपीय थे, पर उसने कुछ वेयरवुल्व्स और वैम्पायर्स का भी सामना किया है। करैक्टर मूल रूप से संपादक प्रकाशक विंसेंट सुलिवन और पटकथा लेखक रे क्रैक का आइडिया थे। डिक एयर्स ने न केवल पहली कहानी बल्कि बाद की भी हर कहानी को इलस्ट्रेट किया और साथ ही ज़्यादातर कवर भी बनाए। बाद की कई स्क्रिप्ट्स गार्डनर फॉक्स ने भी लिखी और फ्रैंक फ्रेजेटा भी कुछ कवर्स के आर्टिस्ट रहे हैं। गोस्ट राइडर टिम हॉल्ट टाइटल का एक गेस्ट अट्रैक्शन बना रहा, धीरे धीरे ज़्यादा फेमस होता गया और कंपनी की कॉमिक्स की पूरी रेंज में अलग अलग टाइटलों में दिखाई देता रहा। 1950 में मैगजीन एंटरप्राइज ने गोस्ट राइडर को अपने A1 कॉमिक्स एंथ्रोलॉजी के कई इश्यूज में टाइटल रोल्स दिए। लेकिन कॉमिक्स कोड के क्रिएशन के साथ गोस्ट राइडर के डरावने एडवेंचर्स के दिन गिने चुने रह गए थे।
उसका अपना आखिरी टाइटल 1954 का घोस्ट राइडर नंबर 14 था। वह दूसरे कॉमिक्स में बैकअप स्ट्रिप्स पर आता रहा, पर आखिरकार रेड मास्क नंबर 50 नवंबर 1955 उसकी आखिरी कॉमिक साबित हुई। 1967 में मैगजीन इंटरप्राइज के बंद हो जाने के कई साल बाद डिक एस, जो अब मार्वल कॉमिक्स के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने घोस्ट राइडर को फिर से लॉन्च करने का फैसला किया, क्योंकि अब कॉमिक कोड्स काफ़ी रिलैक्स हो चुके थे। मार्वल के वर्जन में भी समान शक्तियाँ थी, लेकिन इसकी ओरिजिन कहानी कुछ अलग थी। 70s में मोटर बाइकिंग करते हुए घोस्ट राइडर के आने के बाद पुराने ओरिजिनल कैरेक्टर को फैंटम राइडर के तौर पर फिर से डब किया गया। इसी बीच एसी कॉमिक्स के पुराने रूप पैरागॉन पब्लिकेशंस ने द हॉन्टेड हॉर्समैन के तौर पर जनवरी 1972 में पुराने घोस्ट राइडर को जियाने की कोशिश की, पर इसका कोई फायदा नहीं था। असली घोस्ट राइडर मर चुका था और बीते वक्त की गलियों में गुम हो चुका था।